सो हम लोग आए हैं पार्क। तू अपने आप जहाँ मन कर रहा है वहाँ पे जा रही है, वो भी पेट के बल। इतना बड़ा मगरमच्छ है पार्क का, नकली वाला। तो तू भी आ जा। लाइंस ट्रेंड और जा रहे हैं अंदर। ने ग्रोसरी ले ली है, बहुत ज्यादा ही ग्रोसरी। लंच में मंगाया है चाउमीन एंड पनीर चिली और साथ में घर की चाय भिजवाई यहाँ की। कुछ लोग घर आ गए हैं। वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो हम लोग आए हैं पार्क। तो आप सब देख सकते हैं मैं आई हूँ पार्क, और ये है झारखंड में हमारे रामगढ़ में एक ब्रिगेडियर पार्क। ये शहीदों के उपलक्ष्य में बनाया हुआ पार्क है। काफ़ी नीट क्लीन सा है और इसमें ना एक मंथ में ही इतनी सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो गई हैं। पहले इसमें कुछ ज़्यादा टॉय सेक्शन नहीं था, किड सेक्शन नहीं था। आजकल अच्छी अच्छी स्लाइडिंग्स ऐड हो गई हैं और यहाँ पे बच्चे काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। ये देखिए कूहू अपने आप स्टेयरिंग से ऊपर जा रही है और नीचे आ रही है। उसको बिल्कुल डर नहीं लग रहा था। एटलीस्ट वो 1.5 से 2 घंटे इस ये एक स्लाइड्स में थी और काफ़ी इंजॉय किया उसने, काफ़ी मज़ा आ रहा था उसे। तो बस यहीं से हमारा ब्लॉग का शुरुआत हुआ है। आज दिन था मेरे हस्बैंड का रेस्ट वाला, तो बस हम निकल गए घूमने। एक्चुअली 2023 जनवरी में हमने कोई भी घूमने का आउटिंग नहीं बनाया था, तो इस बार टाइम नहीं होने की वजह से हमने आज आउटिंग का प्लान बनाया और बच्चों के साथ निकल पड़े हैं घूमने। और बच्चों को बहुत मज़ा आ रहा है। एक्चुअली फैमिली को टाइम देना ही चाहिए साथ में। चाहे ऐसा नहीं है कि हम आउट ऑफ सिटी ही जाएं, बट अपनी सिटी में रह के काफ़ी इंजॉय कर सकते हैं। तो बस हम आ गए हैं पार्क में इंजॉय करने, देन जाएंगे और लंच और आपका शॉपिंग के लिए। तो बने रहेगा मेरे ब्लॉग में और दिखाती हूँ आप लोगों को कि हम लोग पार्क में क्या क्या मस्ती करने वाले हैं। तो बस देखते रहिए मेरे छोटे से ब्लॉग को और इन्जॉय कीजिएगा। यहाँ पे कू अपने आप जहाँ मन कर रहा है वहाँ पे जा रही है, और इसका मन था ये वाले में आने के लिए तो आ गई है इधर। ये वाला था, ये वाले में नहीं आकर ये इसमें आई है, वो भी पेट के बल। कू आ जाओ। क्या कर रहा बेबी? सो यहाँ पे ना बहुत अच्छे अच्छे ये पहले ये सब नहीं थे एक्सरसाइज वाले, और बच्चे काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। पार्क काफ़ी अच्छा हो गया है पहले से। ये दिसंबर में आए थे तो नहीं था, अभी हो गया है बहुत अच्छा। सो बहुत अच्छा पार्क है, मज़ा आ रहा है। बच्चों से लेके बड़े तक सबके लिए अच्छा है। किट्टू को खूब इंजॉय कर रहे हैं। किट्टू कहाँ गया? सो यहाँ पे एक्सरसाइज हो रहा है कू को बैठा के ना। मैंने गर्मी लग रही थी, मैंने स्वेटर उतार लिया है और बच्चे फुल ऑन मस्ती मोड में चालू हैं, और ये प्रोटेक्ट करने में लगे हुए हैं बच्चों को कि गिर जाएंगे क्योंकि बड़े वाले एक्सरसाइज वाले ये है ना। नकली वाला आया, लेकिन बच्चे इंजॉय कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे कू के साथ फ़ोटो खिंचवाने के लिए बोल रहे थे, बट कू को फ़ोटो ही नहीं खिंचवाना था। भैया कू तो बाहर जाती है तो सेलिब्रिटी ही बन जाती है। ये जो है ना ये 3-4 ब्रिज क्रॉस करके हम यहाँ पे आए। अब यहाँ से निकलने का रास्ता नहीं, हमें वापस जाना है, तो यही ब्रिज से वापस जाना पड़ेगा। इतना बड़ा मगरमच्छ है पार्क का, नकली वाला, इस पे मैं बैठ के। क्रोकोडाइल के मुंह में क्या हो गया? चूहा घुस गया। चूहा घुस।
तो मैं तो थक गई, इन लोग थकने का नाम नहीं ले रहे। आप ये डक की सवारी कर रहे हैं और बस हम थक गए, यहाँ से पार्क से जाएंगे। हम लोग आ गए थे 11:30 बजे और बज गए हैं 2:30। अब बहुत लगी है भूख, अब जाएंगे कहीं रेस्टोरेंट में खाना वाना खा के देन शॉपिंग। लोग आ गए, सॉरी लंच पे मंगाया है चाउमीन एंड पनीर चिली और साथ में रोटी। एक्चुअली किट्टू का यही कॉम्बिनेशन है, इसको यही कॉम्बिनेशन पसंद होता है। और यहाँ पे कुकू को हमने अलग से दे दिया है। क्या अच्छा है बेबी, नाइस। चो चलिए मिलती हूँ कुछ देर बाद, मैं फटाक से कर लूँ लंच, लगी है जोरों की भूख। सो लंच हमारा हो गया है, हमने लंच कर लिया, अब यहाँ से निकलेंगे। तो गुड़ रहता है, ये बच्चे लेके खा रहे हैं। सो हम लोग आ गए रिलायंस ट्रेंड और जा रहे हैं अंदर, कुछ कुछ शॉपिंग भी करनी है। बहुत मैं लेना था ग्रॉसरी, तो आ गए हैं हम रिलायंस ट्रेंड और यहाँ पे कू अपने ट्रॉली पे बैठ गई है, किट्टू अपना ग्रॉसरी लाना चालू कर दिया है। उसे बता दो बेटा ये चाहिए तो वो ढूंढ ढूंढ के लाता है। मेरी कू नहीं, तो हम लोग थक गए, पहले करा रहे हस्बैंड और शॉपिंग वगैरह हो गई है बहुत। तो यहाँ पे हमने ग्रॉसरी ले ली है, बहुत ज्यादा ही ग्रॉसरी हो गई, पूरा कार की डिक्की भर चुकी है। जाएंगे, पेट तो बहुत बड़ा है लेकिन गुपचुप ना खाऊं ऐसा अच्छा नहीं लगेगा, तो गुपचुप खा के घर जाऊंगी। आ गए हैं फैशन फैक्ट्री, आज सुबह से शॉपिंग कर कर की हालत खराब है। सो बहुत थक गए थे, बच्चे कार में सोए हुए हैं और ये हस्बैंड है ना मेरी कुल्हड़ की, मेरे लिए कुल्हड़ की चाय भिजवाए, यहाँ की कुल्हड़ की चाय मुझे बहुत पसंद है। सो बस मैं पीऊँगी अभी, फिर निकलेंगे घर को। काफ़ी अंधेरा हो चुका है, सुबह के निकले हुए हैं हम लोग घर आ गए हैं और यहाँ पे लग रहा है पावर कट है और बज गए हैं 6:30। बच्चे लोग सो हुए हैं, अब उतरेंगे, हस्बैंड गए हैं लॉक खोल रहे हैं, बहुत सामान है। तो चलो उतरो, देखो घर है, लाइट है। क्या क्या लाई हो बेबी? लोग घर आ गए हैं और बच्चे ना बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, स्पेशली कुहू बहुत रो रही है और इतना सामान लेकर आए हैं, बहुत कुछ सामान हो गया है, फ्रूट्स एंड ऑल। तो मैं यहीं पे करती हूँ ब्लॉग को बंद, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगेगा, ब्लॉग को पूरा ज़रूर देखिएगा, लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।